आज बनाएंगे एक ऐसी टेस्टी करारी और चटपटी कुरकुरी पापड़ी जो कि फटाफट से बन भी जाएगी 10 मिनट में और आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक भी आराम से रखकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। देखिए कितनी क्रिस्पी पापड़ी बनकर तैयार हुई है और बनाई भी कुछ खास चीज़ों से है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कप के लगभग पोहा लिया है। पहले हम पोहे को किसी बड़े बाउल के अंदर डालेंगे और इसे 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। धोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पोहा जो है वो ड्राई रूप में बनाया जाता है, तो इस वजह से इसके अंदर काफ़ी मिट्टी या पाउडर जैसा हो सकता है जो कि हमारे टेस्ट को ख़राब कर देगा। ये देखिए कितना सफ़ेद सफ़ेद सा गंदा पानी है। तो मैंने 2 बार पोहे को अच्छे से साफ पानी से धो लिया। उसके बाद हम इसका सारा पानी निकाल कर रख देंगे और सिर्फ 1-1.5 चम्मच के लगभग ही पानी हम इसके अंदर छोड़ देंगे क्योंकि पानी जो है हमें ज़्यादा इसमें चाहिए नहीं, बस इस तरह से। अब हम इसे ढककर रख देंगे, ये अपने आप ही फूल कर एकदम नरम पड़ जाएगा। इतनी देर हम फ्राइंग पैन के अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर जीरा डाला है, कुछ मसाले डालेंगे जिससे हमारी पापड़ी इतनी क्रिस्पी और मसालेदार बनेगी ना कि आपको इसके साथ किसी अचार या किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच मैंने हींग डाली है, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया यानी थोड़ा कुरकुरा कूटा हुआ, 1 चम्मच कलौंजी के बीज डाले और 1 चम्मच मैंने कुटी हुई सौंफ। 1 से 1.5 चम्मच के लगभग ही हम इसके अंदर सफ़ेद तिल डाल देंगे। वैसे अगर कोई चीज़ आपके पास ना हो तो इसे पूरी तरह स्किप किया जा सकता है, बस ये चीज़ें जो है हमारी पापड़ी को बहुत ज़्यादा टेस्टी बना देंगी, इसलिए इन मसालों का डालना ज़रूरी है। अब मैंने इसके अंदर 1/2 कटोरी के लगभग बेसन लिया है और हम इसको बेसन को इसके अंदर डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर सारे मसालों को हम बड़े आराम से 4 से 5 मिनट तक भूनते रहेंगे ताकि बेसन जो है वो अच्छे से भुन जाए। अब जब बेसन भुनने लगेगा तभी इसके अंदर मैंने 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, 1/4 टीस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर डाल दिया है, आप चाहें तो कुटी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हैं, 1/4 टीस्पून ही मैंने हल्दी डाल दी है। हल्दी इस तरह डालने से क्या फ़ायदा होगा कि ये जलेगी नहीं और बेसन के साथ अच्छे से मिक्स भी हो जाएगी। अच्छे से जब सारे मसाले भुन जाएंगे तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 चम्मच चाट मसाला या अमचूर पाउडर जो आपके पास अवेलेबल हो और 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दी है। ये दोनों चीज़ें गैस को बंद करने के बाद ही डालनी है ताकि बिल्कुल भी जलने का खतरा नहीं रहे और सारे अच्छे से मिक्स भी हो जाए। इस नाश्ते को आप बनाकर आराम से रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में और अचानक से कोई मेहमान वगैरह आ जाए या शाम की छोटी मोटी भूख के समय कुछ खाने का मन करे तो ये आराम से सर्व की जा सकती है। पोहा देखिए कितना नरम हो गया है और अच्छे से धो लेने के कारण एकदम सफ़ेद इसका रंग भी हो गया है। अच्छे से हम पोहे को क्रम्बल कर लेंगे। इसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू थे उनको बारीक ग्रेटर से जो है ग्रेट कर लिया है। ये उबले हुए आलू लिए हैं। इस तरह से आलू डालने के बाद हम इसके अंदर नमक डालेंगे क्योंकि अभी तक हमने इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं किया है। नमक, पोहा और आलू तीनों चीज़ों को अच्छे से 1 से 1.5 मिनट तक हम लगातार अच्छे से गूंद लेंगे ताकि अच्छे से तीनों चीज़ें मिक्स हो जाए। आलू और पोहे को मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, इससे इसका कलर बहुत सुंदर आएगा और जो बेसन का हमने मसाला भून कर रखा है ना वो हम इसके अंदर डाल देंगे क्योंकि हम इसको थोड़ा सा स्टोर करने के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए हमें इसके अंदर बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 1 टेबलस्पून के लगभग ऑयल आप डाल सकते हैं क्योंकि अभी तक हमने केवल 1 चम्मच ही तेल का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच तेल और डाल के मैं इसको नरम कर लूँगी और आराम से बिल्कुल एक सॉफ्ट डो का फॉर्म दे दूँगी। इसमें बिल्कुल भी पोहे में काफ़ी पानी होता है और उबले हुए आलू में भी, तो हमें बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बेसन जो है वो उनके साथ आराम से मिक्स हो जाएगा और एक डो का फॉर्म ले लेगा। इस तरह से इसको बनाने से क्या होगा, इसको हम अच्छे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए कितने आराम से ये डो का फॉर्म ले रहा है। बस इस तरह से आप इसको गूंदते जाइए, 3 से 4 मिनट के अंदर ही हमारा बहुत बढ़िया डो बनकर तैयार हो जाएगा। बस अब हम इसकी पापड़ी बनाने के लिए तैयारी करेंगे। थोड़ी थोड़ी मोटी लोइयां लेंगे, उसको इसी तरह किचन काउंटर के ऊपर बिल्कुल हल्का हल्का ऑयल का हाथ लगा के फैला लेंगे। आप चाहें तो इसे हथेली से भी बेल सकते हैं पर, और अगर आप एक सार जो है शेप चाहते हैं तो उसके लिए हम इसको इस तरह से गोल गोल घुमाकर बेलेंगे और किसी भी ढक्कन से कट करके और बिल्कुल बराबर की शेप हम निकाल कर रख लेंगे। ये देखिए कितने आराम से जो है एक ही साइज़ की हमारी छोटी छोटी प्यारी सी पापड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा नाश्ता है और हेल्दी भी है क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी मैदा वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया और बहुत कम तेल के अंदर हम इसको बिल्कुल अच्छे से सुनहरा होने तक तल लेंगे। ये देखिए बस इसी तरह से, मैं अभी आपको एक और दिखाती हूँ, इसी तरह से हम सारी बेलकर तैयार कर लेंगे। एक बार में 5 से 6 आराम से तली जा सकती हैं, तो इतनी मैं बेलती जा रही हूँ। साथ में हम इसको इस तरह से कांटे से पोक कर देंगे ताकि ये फूले ना, फूलेगी तो ये पूरी जैसी हो जाएगी और हमें इसको पापड़ी बनाना है, फुलाना तो है नहीं, तो इसलिए हम इसको अच्छे से कांटे से पोक कर लेंगे।
बस इस तरह से हम बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम के ऊपर इनको आराम से तलने देंगे। जितनी देर में तल रहे हैं उतनी देर में मैं और 5-6 बेल लूँगी। इस तरह से करके मैंने टोटल 4 या 5 बैच के अंदर सारी जो पापड़ी है वो तलकर अच्छी गोल्डन फ्राई कर ली है। बिल्कुल हमें लो मीडियम फ्लेम पर तलना है ताकि अच्छे से ये कुरकुरी हो सके। अगर आप हाई फ्लेम पे तलेंगे ना तो क्या होगा कि ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएगी लेकिन अंदर से ये कच्ची लगेगी और सॉफ्ट पड़ जाएगी। तो ये आपकी मर्जी है, आपको जिस तरह खानी है। अगर उसी समय पूरी की तरह खानी है तो आप इसे हाई फ्लेम पर भी तल सकते हैं, और अगर करारी करनी है और स्टोर करके रखनी है, सफ़र में ले जानी है, ट्रेन में, आप जस्ट इमेजिन कीजिए इसको अगर हम खाएं चाय के साथ, ट्रेन में चाय ले लीजिए और इस पापड़ी को अगर खाया जाए तो कितना मज़ा आए। तो जब भी आप अगली बार किसी सफ़र पर जाने की सोचें तो इस पापड़ी को बनाने के बारे में ज़रूर सोचें। इसी तरह से मैंने सारी पापड़ी बनाकर तैयार कर ली है। उम्मीद है आप सबको रेसिपी तो पसंद आ ही रही होगी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी डालने की कोशिश करती हूँ जो नाश्ते का काम भी करें और कभी कभी मन करे तो खाने की जगह भी खाई जा सकती है। तो इसलिए जल्दी से जाइए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को तो ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ डालती हूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए और आप सबसे पहले जाकर उन रेसिपीज़ को देख सकें और ट्राई कर सकें। और अगर आपने ट्राई किया तो